चुकी चुका सेजर जी थला लाशी कौन सारे अपने मुड़े जी सर बताइए जो आपका एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ है क्या वजह रही मैं हेडमास्टर हाई स्कूल दरबार में हूँ। मैं सुबह जा रहा था स्कूल था 40 के ऊपर हम वहाँ से निकल रहे थे क्राइ स्कूल से आगे से गाड़ी आई वो गाड़ी लंबी है बड़ी गाड़ी है तो स्कूटी से मैं जा रहा था मेरे आगे उस टीचर है मेरे स्कूल का सुखविंदर सिंह वो चला रहे थे जैसे ही गाड़ी हमारी निकल रही थी उसने गाड़ी को टर्न दिया पीछे से गाड़ी जो हमारी स्कूटी के ऊपर उसने टांग मेरी उसके साथ लगी जो मैं गिरा उधर स्कूटी भी गिरी टांग बहुत ज़्यादा थी। फादर साहब से भी बात की है कि जो उनके जो ड्राइवर रखे हैं ये इतना वो एक्सपर्ट तो ड्राइवर हैं नहीं इन्होंने 6-8 हज़ार रुपया देते हैं उसी हिसाब से लोकल ड्राइवर हैं तो ये परमानेंट तो ड्राइवर रखते नहीं हैं तो दूसरा ये अनट्रेंड रोड है गाड़ियाँ बड़ी लंबी हैं इनकी वहाँ पर रोड भी जो है खड्डे वो दलदल है दूसरा वो कर दिया जाए ये तो मेरा कुछ नहीं हुआ लेकिन ये बड़ा मैंने फादर साहब से भी बोला कोई बड़ा मिस हैपनिंग होगी जहाँ पर 50-100 बच्चा कहीं नुकसान हो जाएगा तो ये भरपाई करना हमारे कुंज के लिए बहुत मुश्किल होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं ओवर यानी जो उसमें करते हैं जितनी भी वे वैंस वगैरह जाती हैं देखना आप चेक करें RTO एक एक वैन के अंदर 50-40 बच्चे ऐसे घुसाते हैं जैसे कि वो भेड़ बकरियों में रखते हैं तो स्कूल बस भी है इतनी बड़ी है बस होना छोटी जैसे 108 नंबर वाली होती है 20 बच्चे या 25 बच्चे ये गाड़ियाँ लंबी हैं इनकी 50-40 बच्चे बैठाते हैं। सर आपका नाम सर डॉक्टर देशपाल जी सर बताइए जो एक्सीडेंट हुआ सर इसके बारे से बताएं सर। सर आपको पता है जो एक ब्रिज है बीच में कनेक्ट करता है मेरे द्वार के साथ अजोट के साथ तो वहाँ पर एक मंदिर है नवग्रह मंदिर ये वहाँ से नीचे आ रहे थे मास्टर अशोक जी जिनका एक्सीडेंट हुआ तो रोड की इतनी खस्ता हालत है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ऐसी बात है DC साहब का बड़ा सहयोग भी था उन्होंने बड़ा काम करवाया है लेकिन ये रोड जो डालने वाले हैं ये बिल्कुल चोरी चिकारी करते हैं एक बिल्कुल अच्छी रोड नहीं डालते और रोड में आज इतने बड़े बड़े खड्डे हैं उसके कारण देखिए इनका फ्रैक्चर हो गया है आज इनको डबल खर्चा है या मंदीप जाएंगे इनका परिवार दुखी इसी तरह आम लोग कितने दुखी हैं तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार है DC साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन रोडों को देखा जाए जितना जल्दी हो सके ये गड्ढे सारे भरेंगे हमारी ये रिक्वेस्ट है आप खुद देखेंगे जो क्राइस्ट स्कूल की बसेज जाती हैं क्योंकि उनका एक ब्रांच दरबार में है जो बच्चों का है वहाँ पर अगर 40 लिमिट है बस में तो 57 से लेकर 70% से बैठाते हैं ये अपने किराए के चक्कर में भूख के चक्कर में लोगों की जान लेना चाहते हैं और वो दिन भी दूर नहीं जब कोई हादसा होगा कि बच्चों की बस कोई नीचे उल्टी होगी तो हम ये दुआ करते हैं और ईश्वर गुहार करते हैं गुहार लगाना चाहते हैं किसी साहब से कि जितने जल्दी हो सके ये पूरा चेक किया जाए और RTO साहब को भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए देखना चाहिए कितनी ओवरलोडिंग हुई है छोटी छोटी वैन्स लगी हुई है 10 बंदों के बैठने की जगह नहीं होती उनमें 20-20 बच्चे बैठे होते हैं कोई खिड़की से गिरेगा कौन जिम्मेवार होगा इसलिए अपना काम अच्छे से करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। सर बताइए जो अभी जो एक्सीडेंट हुआ है एक पेशेंट पहुंचा है उसके हवाले से बताइए। एक्सीडेंट हुआ है दीवार रोड पे स्कूल जा रही थी गाड़ी के साथ हिट हुआ इनका फ्रैक्चर हुआ राइट लेग का उनको भी यहाँ फर्स्ट एड देने के बाद उनको यहाँ से रेफर किया तो इनका नाम डॉक्टर नाम अशोक